नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर कामगार बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण योजना स्किल इंडिया की शुरुआत की थी, आज उसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के तहत हजारों युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार पा रहे हैं। आसनसोल के भांगा पाचिल स्थित इस केंद्र के संचालक शांतनु बनर्जी ने बताया कि अपने व्यापार में व्यस्त हैं, लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री जी के इस योजना के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल इस पर कार्य करना शुरू कर दिया और आसनसोल में प्रथम PMKK केंद्र स्थापित कर युवाओं को तराश कर कामगार बनाने के प्रयास में जुट गए। उनका यह प्रयास काफी सफल रहा और आज इस केंद्र से हजारों युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो पा रहे हैं। श्री बनर्जी ने बताया कि इस केंद्र से सहायक इलेक्ट्रिशियन, रिटेल सेल एसोसिएट, सीसी कैमरा इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन का कोर्स बिल्कुल ही निशुल्क कराया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से यह केंद्र चला रहे हैं, जिससे आसपास और झारखंड राज्य समेत कई युवाएं यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और हजारों युवा इस केंद्र के तहत रोजगार पा चुके हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों को किताब और यूनिफॉर्म और प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जाता है। इसमें 8वीं पास से माध्यमिक पास युवक युवतियाँ हुनर सीखकर रोजगार हासिल कर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार राम। आप कहाँ से आते हो? रोटी वोटी कॉलेज चांदा के अंदर। आप स्टूडेंट हो? जी सर। आप कहाँ से आपने तालीम हासिल किया? एजुकेशन आपने कहाँ से लिया? मेरा एजुकेशन BSK कॉलेज मायथान से। अच्छा, यहाँ पे आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? यहाँ पे मेरा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है। अच्छा, यहाँ पे कोर्स करने के लिए कितना पैसा दिया है? यहाँ पे कोर्स करने के लिए हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, क्लासेस करके कैसा लग रहा है आपको? क्लासेस करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो नहीं आता था हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं। सर भी काफ़ी हम लोग के फ्रेंडली है, वो हम लोग को बहुत अच्छा से समझाते हैं। क्या क्या सीखे आप अब तक? अब तक MS Word सीख चुके हैं और अभी एक्सेल चल रहा है, हम लोग एक्सेल अभी सीख रहे हैं। थैंक यू। नाम क्या हुआ? मेरा नाम तनुजा फातिमा। आप कहाँ से आते हो? बनपुर से। अच्छा, ये कौन सा सेंटर है? ये डाटा एंट्री का। अच्छा, सेंटर क्या? अच्छा, आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हो? डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में कैसा लग रहा है यहाँ कोर्स करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यूचर में क्या क्या बनना चाहते हो आप? कुछ जॉब जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा यहाँ पे डाटा एंट्री कोर्स किया जाता है? अभी हाल फिलहाल हो रहा है, 4 महीना पहले हम लोग के भी मोहल्ले का बहुत से लोग करते हैं, वही वहाँ से बताए, कुछ लड़के वहाँ से आते हैं। अमन, मेरा नाम है विदिशा धाड़ा। आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हो? हम यहाँ पर रिटेल सेल्स एसोसिएट का कोर्स कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कोर्स करके? बहुत अच्छा है। कितने दिनों का कोर्स है ये? ये 2 months 3 days का है, अप्रॉक्स ये 3 months लग जाता है कि हम लोगों का पूरा एग्जाम लेकर। आपके जो टीचर हुआ क्या नाम है उनका? हम लोगों का 2 मैम है जो थ्योरी पढ़ाती है, वो है शेरान मैम और प्रेयोशी मैम, और एक वो मैम है जो PDB क्लास लेती है हम लोगों, वो है जसबीर मैम। আমার নাম সোমা মুখার্জি। এখানে কি ক্লাস করছেন? এখানে ডোমেস্টিক ডেটা এন্ট্রি ক্লাস করছি। কেমন লাগছে? স্যার ক্লাস করতে তো খুবই ভালো লাগছে, স্যাররা খুবই ফ্রেন্ডলি, প্রবলেম হলে সব কিছু হেল্প করেন, যে কোনো প্রবলেম, বিভিন্ন আমাদের স্টুডেন্টের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম থাকে, স্যাররা সব কিছুই হেল্প করেন। আজকে ক্লাসে কি কি হয়েছে, কি শিখেছেন আজকে ক্লাসে? আজকে তো স্যার এক্সেলের PV FV এর ফর্মুলা শেখানো হয়েছে, প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু কী করে বার করতে হয় কি না এগুলো শেখানো হয়েছে। টিচার নাম কি আছে আপনার? দেবাশিস কর্মকার আর প্রশান্ত দাস। यहां पे कोर्स किए थे, क्या कोर्स किए थे? রিটেল সেল অ্যাসোসিয়েট से हम ICA PMK के आसनसोल से कोर्स तो कंप्लीट किए थे। ये कब कंप्लीट किए थे? अब तो अगला 2 महीने बाद। कितने दिनों का कोर्स था ये? ये मेरा 4 महीने का कोर्स था। अच्छा, उसके बाद क्या, जब कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको जॉब मिला? ऑफ कोर्स मिला। आप अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अभी हम आसन सियालदा में रिटेल्स में रिलायंस की फ्रेश में अभी जॉब कर रही हूँ। सैलरी कितना आपका वहाँ पे? मेरी सैलरी 8600 रुपये। आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो
तो क्या आपको लगा था कि यार यहाँ से कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिल पाएगा? नहीं, पहले मुझे थोड़ा शक हुआ था कि ये थोड़ा कंफ्यूज था मैं। अच्छा। अब उसके बाद मुझे पता चला कि इस जॉब के बारे में सबसे भरोसा हो गया। उसके बाद सब दोस्तों से सुना और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जॉब करके, फिर मुझे भरोसा हो गया। एंड मैं बहुत सारा फ्रेंड को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाया, वो भी अभी कर रहे हैं। 3-4 दोस्त मेरा सक्सेस में है एंड कुछ जॉब के लिए अभी तलाश कर रहे हैं। अभी उस लोग की जॉब मिल गया और कुछ दोस्त अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है, उन लोग अभी ट्रेनिंग कर रहा है। जी, मेरा नाम दीपा देसरकार है। आप यहाँ पे किस पोस्ट में हो? जी, मैं यहाँ की एकेडमिक काउंसलर हूँ। आप पे क्या मैंने क्या काम यहाँ पे करते हो? यहाँ पे जैसे PMKK सेंटर, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में एज एन एकेडमिक काउंसलर मेरा काम है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी वर्किंग्स आते हैं, उनको यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, क्या क्या कोर्स यहाँ पे होता है, कोर्स के बारे में कितने ट्रेड्स हैं हमारे यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देना, एडमिशन लेना, एडमिशन का जो प्रोसीजर। स्टूडेंट जो आते हैं वो क्या सवाल करते हैं आपसे? देखिए, जनरली स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं वो या तो बहुत लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, या तो उनका बैकग्राउंड जैसे होता है किसी के फादर फार्मर है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कोर्स भी, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनको मेनली हम लोग जो है जॉब पर्पस से यहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। हमारा मेन जो मोटिव है वो है स्टूडेंट्स को जॉब के लिए तैयार करना और उनको बेसिक जो ट्रेनिंग है जो काम करने के लिए ज़रूरी होता है उसके लिए हम बेसिक ट्रेनिंग में क्या कराते हैं आप लोग? जैसे कि हमारे पास टोटल 5 ट्रेड है। ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, जिसमें हम लोग 2-व्हीलर का काम सिखाते हैं, बाइक हो गया, 3-व्हीलर का भी काम सिखाया जाता है, और इसके बाद हो गया CCTV टेक्नीशियन, जिसमें कैमरा इंस्टॉलेशन का काम हो गया, और फिर हो गया असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, जिसमें बेसिक हाउस वायरिंग का काम होता है। आप 5 कोर्स करा रहे हो, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसमें मिल रहा था? जी देखिए, हमारे आसनसोल फील्ड में जो ज़्यादा मतलब अभी तक का जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर देखा जा रहा है रिटेल सेक्टर में हो रहा है। बहुत सारे मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं, पैंटालूंस, सेंट्रम, गैलेक्सी मॉल, बिग बाज़ार, ये सारे जगह पे हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जैसे कि रिलायंस ट्रेंड से लेके पैंटालूंस से लेके टाइटन आई, इवन तनिष शोरूम, रिलायंस ज्वेल, सभी जगह पे हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं, जब उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो माँ बाप को ये फिक्र होती है कि रोजगार कहाँ से लाएं। आज हम लोग देख रहे हैं कि आसनसोल PMKK जो एक सेंटर है, जो सेंट्रल की स्कीम है, जो सरकार की स्कीम है, यहाँ बहुत सारे बच्चे टेक्निकल हैंड तालीम सीख रहे हैं और वो यहाँ से जॉब भी हासिल कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान इस सेंटर के जो इंचार्ज हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, शांतनु बनर्जी उनका नाम है, वो उनका बिजी शेड्यूल है, लेकिन हम लोग उनको कहा कि सर आप थोड़ा सा टाइम दो पब्लिक के लिए, वो राजी हुए। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये PMKK की योजना है। नमस्कार सर, आप हमारे चैनल में वेलकम है। कि सर PMKK है क्या? PMKK का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। ये एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें गवर्नमेंट का कुछ स्कीम जो है युवा और युवती, मैंने जो भी कोर्स इसमें 5 कोर्स चलता है। क्या क्या है? आपका पहला है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, दूसरा है आपका रिटेल सेल्स एसोसिएट, तीसरा है CCTV इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, चौथा है आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, और 5वां है ऑटोमेटिव टेक्नीशियन। उसमें 2-व्हीलर और 3-व्हीलर का पूरा काम सिखाया जाता है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इसके लिए जो 5 कोर्स है, 5 कोर्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। जैसे ऑटोमोटिव जो है वो प्योरली आपका टेक्निकल काम है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 8+। अगर बच्चे 8+ से ज्यादा होता है, 12 पास है, ग्रेजुएट है, तो हम लोग को उसको अपर लेवल पे जॉब दिलाने में सुविधा होता है। ऐसे नॉर्मल जो है वो 8+ है। सेकेंड जो रिटेल है वो 10-12 है, बाकी जितना भी कोर्स है सब 10+ में एप्लीकेबल है। 5 कोर्सेज में मार्केट डिमांड को क्या लगता है? चाहत किस कोर्स? देखिए, 5 के कोर्स में मार्केट डिमांड डेटा एंट्री का हमेशा है, दूसरा है रिटेल सेल्स का हमेशा रहेगा, अभी भी है, और जो टेक्निकल ट्रेड है लाइक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन काम सीख रहा है उसका डिमांड है। लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स अच्छा है? लड़कियों के लिए रिटेल सेल्स अच्छा है और प्लस डोमेस्टिक डेटा एंट्री अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जॉब मिलता है। जैसे हमारा अभी जो कुछ स्टूडेंट जो करेंट पास आउट हुए हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट आज तनिष पे काम करता है,
कुछ स्टूडेंट रिलायंस ज्वेलरी में काम करता है। अच्छा, ये कोर्स जो आप लोग चला रहे हैं उसकी क्या कोई फीस उस लगता है क्या? नहीं, ये एकदम निःशुल्क कोर्स है, इसलिए इसका एक भी पैसा कोर्स में स्टूडेंट का स्टूडेंट से नहीं लिया जाता है। ये गवर्नमेंट स्टूडेंट को करवाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम चल रहा था हमारा देश में, जिसमें क्या है, ग्रेजुएट होने का बाद भी स्टूडेंट को कहीं पर जॉब जॉब नहीं मिल रहा था, तो उनको हमारा गवर्नमेंट ने एक स्कीम का हिसाब से एक कोर्स डिजाइन किया, एंड करने का बाद उसमें वो चीज़ डाला, यू भी टेक्निकल चीज़ डाला, जितना टेक्निकल होने से एक लड़का काम करके रोजगार कर पाए उतना सिखाया जाता है। ये कोर्स कब से चला रहा था? ये हमारा सेंटर जो PMKK है, ये वेस्ट बंगाल में पहला सेंटर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र केंद्र जो है, ये आपका बंगाल का पहला है। ये सेंटर शुरू हुआ है 2017 साल 2 अक्टूबर को। श्री हमारा जो मंत्री साहब है श्री बाबू शुक्ल जी, उनका हाथ से इनका उद्घाटन हुआ था, और ये उस डेट से आज तक सक्सेसफुली रन कर रहा है। रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों का? अभी रिस्पॉन्स अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि हम हमारा प्लेसमेंट जो मैंने आपका फिगर है, प्लेसमेंट फिगर हमारा पैन इंडिया में अच्छा है। ये आपको NSCC का वेबसाइट में भी अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा। कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं कोर्स सीखने के? ये हमारा बच्चा तो इधर आसनसोल जो सब डिविजन है इसका तो हर जगह से आता है। लास्ट से आपका मोशीला कॉलोनी, फिर इधर में आप जामुड़िया पकड़ लीजिए, हरिपुर, केदा, काजोरा, अंडाल से बहुत सारे स्टूडेंट आता है, दुर्गापुर है, बानपुरा है, पुरुलिया है, डिसरगढ़ है, फिर आपका मुगमा है, बहुत सारा जगह से आता है। मैंने ये आज का डेट पे ऐसा बाउंड्री नहीं हो गया कि सिर्फ आसनसोल दुर्गापुर से आता है, हमारे पास यहाँ पर झारखंड से भी लड़का आता है। अच्छा सर, आप लोग जो यहाँ पे कोर्स करा रहे हैं तो आप लोग और क्या क्या चीज प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, एक जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसका जब फर्स्ट क्लास शुरू होता है, हम गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग उनको एक आई कार्ड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, और उनका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का हिसाब से उनका बुक्स आता है। ठीक है, ये बुक्स उनको दिया जाता है जिसमें पूरा कोर्स कंटेंट जो भी इसमें डिज़ाइन किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिज़ाइन किया हुआ है, NSDC का बुक्स है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारा चीज़ सरकार से दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट को कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। अच्छा, आप कोर्स कम्प्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं क्या? कोर्स जब खत्म हो जाता है तब एक सर्टिफिकेट, ऐसा एक सर्टिफिकेट NSCC से आता है जी। जो सर्टिफिकेट NSCC स्किल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप PMKVY का तरफ से, एंड जैसे ऑटोमोटिव है तो ऑटोमोटिव सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल से ये सर्टिफिकेशन साइन होकर आता है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहता है, उसका आधार कार्ड का नंबर रहता है और ग्रेड रहता है। जैसे ये जो स्टूडेंट है मिस्टर कुलदीप प्रसाद, ये इसका इसको ग्रेड ए मिला है, मतलब ये 80% अबव नंबर स्कोर किया है अपना और मैंने असेसमेंट में एग्जाम में। और ये जो QR कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है जी, ये QR कोड में ये ऑथेंटिसिटी के लिए है। इसमें पकड़ लीजिए 3 से 4 महीने का कोर्सेस होता है, लेकिन कुछ कुछ महीना ऐसा रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा छुट्टी वगैरह रहता है, तो इसलिए कोर्स थोड़ा खींच जाता है। एवरेज 4 महीने का है। अगर 4 महीना एडमिशन प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस है जो स्टूडेंट को यहाँ पर सेंटर पर आना है, आके एक इंक्वायरी फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद हमारा एक प्रोसेस है काउंसिलिंग का, हम लोग काउंसिलिंग करवाते हैं। काउंसिलिंग का बाद उसका स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग, और हम लोग देखते हैं जो स्टूडेंट नीडी स्टूडेंट है कि नहीं, वो बाहर कहीं अगर जॉब के लिए उसको भेजा जाए तो वो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और प्लस उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है। एक पेरेंट मीटिंग हम लोग करवाते हैं, गार्जियन स्टूडेंट को बोला जाता है अपना घर से कोई गार्जियन को लेके आए, हम लोग गार्जियन से बात करते हैं जो आपका आपको पता है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, आपका बच्चा जो है इस स्कीम का अंतर्भुक्त अपने आप को रजिस्टर कराने जा रहा है, आपको पता है सारा चीज़। तो अगर उसका फादर या मदर कोई भी बोलता है हाँ हम लोग को पता है, तो हम लोग उनसे एक एश्योरेंस लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट में हम लोग को बोला गया है जो हर एक बच्चा को अगर हम लोग टेक्निकली साउंड बनाने चाहें तो उसको टोटल कोर्स कंटेंट में कम से कम 80% अटेंडेंस उसका होना है, नहीं तो अगर नहीं होगा तो स्किप कर जाएगा जो जो चैप्टर, वो उसको समझ में नहीं आएगा। आप तो कोर्स चला रहे हो, क्या क्या चैलेंजिंग, मैंने कैसे बच्चे मिल रहे हो, क्या लगता है उनको? बच्चे क्या है, बहुत सारा बच्चे ऐसे मिल रहा है जिसको जॉब करने का मेंटेलिटी नहीं है, वो एक्चुअली अभी हम लोग अच्छा से प्योर और स्क्रीनिंग प्रोसेस को और मैंने मजबूत बना रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ हम लोग फिल्टर कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 6 महीना 7 महीना बोलिएगा इससे पीछे का जो भी कुछ है उसमें क्या हो रहा था, जैसे फादर ECL में है,
लड़का ऐसे ही घूम रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, तो वो आके एडमिशन ले लिया, हमने भी उसको ले लिया। अब वो क्या है, उसको जॉब करना ही नहीं है क्योंकि उसका फादर रिसेल में है, मोटा इनकम आता है, तो उसको नहीं करना है। तो ये सब जो सेगमेंट है, ये सब सेगमेंट को हम लोग डील नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ समाज में हम लोग का जो भी है, तो निडी लोग है वो आए, निडी लोग है वो आए, जिसको जरूरत है वो आए, जिसको जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं आए, वो बीटेक करे। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपको जो बहुत गरीब लोग थे यहाँ आए खाने का बाद जो खुशहाल है, दो चार दिन बताइए। ऐसा है जैसे हमारा यहाँ पर आपका नीरज शर्मा बोल के स्टूडेंट है, फिर आपका कुछ विवेक गोयल बोल के स्टूडेंट है, ये सब हम लोग का 2017 साल का जो बैच पहले पहले चल रहा था वो सब है। मैं इसलिए वो मैंने दो तीन लड़का का नाम बता पा रहा हूँ क्योंकि ये जो लड़का था ये बहुत सर्वाइवल फैमिली से आया था, बहुत ही सर्वाइवल, मतलब ये लोग आता था अंडाल से आई थी, और एक आता था रानीगंज, ये ऐसा कुछ खाजोरा ऐसा कुछ गांव से जहाँ पर बस वगैरह अच्छा से कम्युनिकेशन। ये मैंने कितने दिनों बात है, ये हो गया आपका डेढ़ दो साल का बात है। मैं दो साल का पीछे का बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग का उस टाइम में आपका बस में आने का भी पैसा किराया नहीं रहता था। अच्छा, तो वो क्या करता था, खाजोरा वाला लड़का लोग वो कजोरा का ट्रेन पकड़ के किसी भी हाल में अंडाल अंडाल से ऐसे करके वो लोग ट्रेन से आता था। अच्छा, और फिर ट्रेन स्टेशन से पैदल आता था यहाँ तक। अब देखिएगा तो बस है, एक्सप्रेस बस यहाँ से गुजरता है, लेकिन उन लोगों को बस एफोर्ड करने का पैसा नहीं था। तो वो जब अपना कोर्स कम्प्लीट किया रिटेल सेल्स का, हमने उनको गोवा में फाइव स्टार होटल में नौकरी लगाया, प्लेसमेंट दिया फाइव स्टार होटल, तो रिसोर्ट एंड होटल। तो वो लोग गोवा गया, अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट किया। अभी आज का डेट पे वो लोग वहाँ पर ज्वाइन किया था 14,000 रुपया में, आज का डेट पे वो लोग 24,000 रुपया उठाते हैं वहाँ से, 24,000 सैलरी उठाते हैं, अपना घर में सपोर्ट देता है, और प्लस वहाँ पर फॉरेनर बहुत आता है तो वो लोग का टिप्स में सैलरी का खर्चा ही कुछ नहीं होता है, उससे डबल वो लोग टिप्स में कमाता है। मतलब एक एक लड़का जो गया है आज का डेट पे कुछ नहीं भी करे तो 40,000 रुपया अपना सेटल हो गया, और फिर फैमिली को सपोर्ट करता है, उसका फैमिली में बड़ा टीवी फ्रिज ये सब जितना जो रिक्वायरमेंट उनका होना है वो सब करके बजाज सब इन सब का साथ जुट करके लड़का लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, आप तो एक चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहे हो, जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर लिए मायूस हो गए हैं उसके लिए क्या मैसेज, क्या कहोगे? जो बच्चे एजुकेशन कर लिया मायूस हो गया बट इमीडिएट जॉब करना चाहता है, उसको मैं ये अपने पीएमकेके की तरफ से बोलना चाहता हूँ जो वो ज़्यादा देरी ना करके जितना जल्दी हो सके एक बार सेंटर में आके विजिट करें। ये सेंटर हमारा 70 GT रोड ओल्ड स्टेशन स्कूल जो है वो उसका ऑपोजिट में है आसनसोल में, तो इसमें आए, यहाँ पर हमारा हेल्प डेस्क है, काउंसलिंग है, वहाँ पर आके अपना कोर्स के बारे में डिटेल्स जान लें, इंक्वायरी करें, प्रीवियस बैच का जो प्लेसमेंट है उसका डेटा अगर वो चाहते हैं डेटा देख लें जहाँ कैसे कैसे प्लेसमेंट हो रहा है क्या हो रहा है, और अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करें और क्लास करें। मेरा निवेदन यही है जो भी बच्चा यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो आए, यहाँ पर कोई रंग कोई जाति कोई भेद ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, लड़का लड़की कुछ भी है किसी भी कास्ट का है उसमें किसी भी कास्ट किसी भी कलर किसी भी कम्युनिटी हो इसमें कोई रोकथाम नहीं है, ये सरकारी प्रोजेक्ट है, सबको इक्वल यहाँ पर राइट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका जो भी कोर्स भी है वो सरकार पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एक स्टूडेंट, तो हम लोग भी उतना सर्विस स्टूडेंट को देना चाहते हैं, स्टूडेंट को शिक्षा माने एक कारीगरी शिक्षा देने का बाद हम भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जिस स्टूडेंट को एक जॉब मिले वो उसका लाइवलीहुड जो है वो सही से सही वे में जाए सही दिशा में जाए और वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए। थैंक यू।